नमस्कार। हम आज राइट या रॉन्ग की चर्चा शुरू करें उससे पहले राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा करते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि आज देश के कई हिस्सों में बिल का विरोध हो रहा है। जो विरोध कर रहे हैं वो भी देश के नागरिक हैं, देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, हम कितने कठोर हिंदू हैं उसका प्रमाण पत्र भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जिस स्कूल में बीजेपी पढ़ती है वहां के हेडमास्टर दरअसल हम हैं। सुनिए संजय राउत का ये बयान। मैं देख रहा हूं अलग अलग मत प्रवाह यहां देखने को मिले, और लोकतंत्र में इस प्रकार से अलग मत प्रवाह जब होते हैं यही हमारी डेमोक्रेसी है। लेकिन मैं कल से देख रहा हूं, कल से सुन रहा हूं, ये कहा गया कि जो इस बिल को समर्थन नहीं करेगा वो देशद्रोही है, और जो बिल का समर्थन करेगा वो देशभक्त है। मैंने सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है, कृपया शांति रखें। मैंने ये भी पढ़ा है, अभी सुन रहा था। प्लीज आप बोलने दे उन्हें, आप उनकी बात सुनिए। संजय, जो इस बिल को समर्थन नहीं करेंगे वो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। उसका मतलब हम ये पाकिस्तान की असेंबली तो नहीं है। आज देश के बहुत से हिस्से में मैं देख रहा हूं इस बिल को विरोध हो रहा है, हिंसा हो रही है। असम हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, एक सेक्शन समर्थन में है, एक सेक्शन विरोध में है। वो देश के नागरिक है, देशद्रोही नहीं है, तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल नमस्कार, ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा में चर्चा लगातार 12 बजे से जारी है और बस कुछ ही समय पर इस बिल पर होगी वोटिंग। क्या संसद मानव अधिकारों का एक नया इतिहास रचेगा या भूल करेगा? चर्चा की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है भारतीय मुसलमानों के साथ है मोदी सरकार और उन्हें इस बिल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर विपक्ष कह रही है कि एजेंडा मुस्लिम मुक्त भारत बनाना है। हिटलर की जर्मनी से भारत की तुलना की जा रही है। सवाल यह है कि भारतीय मुस्लिमों को मोदी शाह की जब गारंटी मिली है तो विपक्ष क्यों शक पैदा कर रहा है? नागरिक संशोधन के नाम पर बंटवारा पॉलिटिक्स काम पर, और क्या सीएबी का बहाना है? विपक्ष का असली मकसद मुस्लिम वोट बैंक बचाना है, और विपक्ष का झूठा प्रचार कैसे बन रहा है पाकिस्तान का हथियार, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए रिपोर्ट। धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यह बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? विपक्ष का झूठा प्रचार बना पाकिस्तान का हथियार। इसीलिए जब महात्मा ने पाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नागरिक संशोधन बिल पर संसद में संग्राम, बाहर घमासान। तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। कांग्रेस का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है, और हम लेकर आए उनका मानस, हम लेकर आए, हाँ, और हम लेकर के आए उनकी बातों को पूरा करते हुए आज हम इस बिल को लेकर के आए हैं और इसका समर्थन। लोकसभा में सरकार के सामने विपक्ष की एक नहीं चली, लेकिन राज्यसभा में मोदी सरकार के सिपहसालारों को खुला चैलेंज मिला। राज्यसभा में डिबेट के साथ ही विरोधियों ने
कई और तरीकों से माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नागरिकता क्रांति को रोकने की ये तीन तस्वीरें देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आखिर पीएम मोदी ने विपक्ष के बयानों को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा, उसके पीछे अहम वजह। देश को इमरान का ये ट्वीट देखना चाहिए। आप देखिए किस तरह से इमरान जो सोच कर लिखते हैं ठीक वैसी ही बोली भारत के विपक्ष की जुबान से फूटती है। नागरिकता संशोधन कानून मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है जिसे मोदी सरकार लागू कर रही है। अब नागरिक संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्ष का बयान भी सुनिए। आई डू नॉट हैव एनी क्वाम टू ओपाइन दैट दिस इज ए रिग्रेसिव लेजिस्लेशन। इट इज नथिंग बट ए टारगेटेड लेजिस्लेशन अगेंस्ट द माइनॉरिटी पीपल ऑफ अवर कंट्री। मुझे शिकवा इस बात का नहीं है, गम इस बात का नहीं है कि आपने मुसलमान को नहीं रखा। मुझे गम इस बात का है आप मत लीजिए किसी पाकिस्तान से मुसलमान को अफगानिस्तान से। मुझे उसका कोई मतलब ही नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को ठुकराया। हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के जुमले को यकीन किया कि इस्लाम का इस मुल्क से 1000 साल का ताल्लुक और हिंदुइज्म का 4000 साल का ताल्लुक है। मुझे गम इस बात का है कि आज इस हुकूमत को जिसने संविधान पर ओथ लिया आज इस्लाम से मुसलमानों से इतनी नफरत। भारत के खिलाफ जहर फैलाने वाले इमरान खान नागरिकता बिल पर आग भड़का रहे हैं, लेकिन यही इमरान तब चुप रहते हैं जब उनके देश में हिंदू ईसाई और सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। एक दिन पहले ही कराची में नाबालिग ईसाई लड़की को जबरन मुस्लिम बनाकर निकाह करवा दिया गया, लेकिन इस पर इमरान खान अंधे गूंगे बहरे बने रहे। इनकी तरह कई ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोपगंडा फैला रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। ठीक वैसे ही जब धारा 370 हटने पर किया गया था, वैसा ही माहौल आज संसद से लेकर सड़क तक दिख रहा है। सड़क पर संग्राम हो रहा है तो देश की संसद में घमासान मचा है। का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इसी राज्यसभा में दिया गया वक्तव्य आपके उद्धृत करके आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर 18 दिसंबर को बोलते हुए उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल के अडवाणी जी से कहा, व्हाइल आई एम ऑन द सब्जेक्ट मैडम, उस समय मैडम चेयर पर थी, व्हाइल आई एम ऑन द सब्जेक्ट मैडम आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजीज आफ्टर द पार्टीशन ऑफ अवर कंट्री। द माइनॉरिटीज इन द कंट्रीज लाइक बांग्लादेश हैव फेस्ड पर्सिक्यूशन and it is our moral obligation that if circumstances force people these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach in granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal. Congress ne bill ke khilaf morcha khola hua hai, lekin wahi Congress purv PM Manmohan Singh ka sharanarthiyon par diya bayan bhul gayi. Purvottar ke rajyon mein virodh ke naam par jamkar gadar macha hai. Hangama, तोड़फोड़ और आगजनी के चलते वहाँ स्कूल कॉलेज बंद हैं और एहतियातन कई जगहों पर इंटरनेट बंद किए गए हैं। सवाल ये है कि बड़े फैसलों पर जब देश को एकजुट दिखना चाहिए तब दलों के राजनीतिक स्वार्थ और सियासी हित क्यों हावी हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है इंडिया फॉर सीएबी और ऑनलाइन सवाल है कि नागरिकता बिल पर मानवता का इतिहास बनाएगी संसद। और पहला मुद्दा यह है कि पाकिस्तान सताए तो हिंदुस्तान उन अल्पसंख्यकों को क्यों ना बचाए। मैं अपनी राय आपको बताना चाहता हूं। 70 साल से जिन्हें हक नहीं मिला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को, और कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे स्टूडियो में हैं, उनके अधिकार की बात की जा रही है तो कांग्रेस और विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों सीएबी के नाम पर विपक्ष मुस्लिमों को डरा रहा है और पूर्वोत्तर के लोगों को भड़का रहा है? भारत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 4.5% से बढ़कर 18% हुई, पाकिस्तान में 23% से घटकर मात्र 3% हो गई। क्या उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए भारत में? इसलिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय 2003 में संशोधन बिल की वकालत की थी और वोट बैंक की राजनीति के चलते मनमोहन सिंह की बातों को भूल गई कांग्रेस। कांग्रेस को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है और उसकी संगत में शिवसेना को मेमोरी लॉस हुआ है या आइडियोलॉजी लॉस हुआ है मुझे नहीं पता, क्योंकि सोनिया गांधी के दबाव में राष्ट्रवाद को तो भूल ही चुके उद्धव ठाकरे। आपने सुना संजय राउत का बयान क्या था, इससे पहले हमने आपको बताया था। मैं आपको मेरे मेहमानों से
परिचय करा देना चाहता हूं। मेरे साथ है बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी, मेरे साथ है एनसीपी की प्रवक्ता और नेता रेशमा पटेल जी, मेरे साथ है इस्लामिक स्कॉलर राजनीतिक विश्लेषक जो कांग्रेस के लिए हमदर्दी रखते हैं अतीकुर रहमान साहब, मेरे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल सक्सेना साहब, मेरे साथ है राइट विंग विचारधारा रखने वाले और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जी, मेरे साथ है शिवसेना के या सोनिया सेना के या पता नहीं कभी शिवसेना कभी सोनिया सेना के नेता संतोष दुबे जी, और मेरे साथ पाकिस्तान से सताए गए दो अल्पसंख्यक समुदाय के मेहमान भी है। मैं चाहता हूं कि उनको दिखाया जाए, माधव जी ठाकुर प्रधान और मेरे साथ है दयाराम जी ठाकुर, ये मेरे स्टूडियो में आए हैं और मैं उनको बता सकता हूं कि आज भारत की संसद से उनको उनका अधिकार मिलेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता। पर शिवसेना से मैं जानना चाहता हूं, अच्छे डायलॉग तो संजय राउत दे देते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसके हेडमास्टर हम हैं, ये सब अच्छे डायलॉग है, पर आज आपके हेडमास्टर बाला साहेब ठाकरे नहीं है, आपकी हेडमिस्ट्रेस है सोनिया गांधी, इसलिए आप नहीं बता पा रहे हो कि लोकसभा में जो समर्थन दिया राज्यसभा में दोगे या नहीं दोगे। बताइए संतोष दुबे, क्या स्टैंड है आपका? और मुझे नहीं, पाकिस्तान के सताए गए हिंदू अल्पसंख्यकों को बताइए, बताइए क्या स्टैंड है आपका? देखिए सबसे बड़ी, देखिए हमारी स्टैंड पूरे तरीके से क्लियर है। हमने पहले भी कहा था कि राष्ट्रहित में लिए गए हर फैसले को शिवसेना का समर्थन होगा, लेकिन हमने ये भी कहा कि जो हमने सुझाव दिए वो सुझाव आपको उसमें लोकसभा में तो ये सुझाव नहीं मानेंगे तो क्यों समर्थन किया? आप हमारी बात ना सुनो, हमारी बातों को मानो ना। मुझे आज देखिए एक सेकंड, लोकसभा का आपको मैं सीधा सवाल पूछूंगा, आप अपनी आप मुझे सीधा सवाल का सीधा जवाब देंगे, लेकिन कोई अगर सहयोगी दल या कोई विपक्ष का व्यक्ति अगर बोले तो आप उसकी बात को नहीं ध्यान देंगे? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, शिवसेना हमने जो सुझाव दिया उसको लाइए, मेरी बात सुनेंगे आप? हम कहां करते संतोष दुबे बिल का विरोध कर रहे हैं, संतोष दुबे हमने तो जो सुझाव संतोष दुबे सुझाव को मानिए, संतोष दुबे कहा कि जो है ये संतोष दुबे लगातार यहाँ पे भाषण का मंच नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे दर्शकों को मत गुमराह कीजिए, कि भाई हमको वोट एक वोट संतोष दुबे आपका हो गया, को ध्यान में रख के जो है बात करनी चाहिए, ठीक है। अब मेरा सवाल सुनिए, संतोष दुबे आपको मेरी बात सुनाई दे रही है या आप उसे इग्नोर कर रहे हैं और आप अपना भाषण दे रहे हैं? मेरा पॉइंट यह है कि लोकसभा में आपने जिस बिल का समर्थन किया, 2016 में जिस बिल का आपने समर्थन किया, एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि आप अपना पूरा स्टैंड बदल गए? इस बीच में सिर्फ इतना हुआ कि सोनिया गांधी की डांट लगी, उद्धव ठाकरे को सोनिया गांधी की डांट लगी, ये सब जगह बातें आ चुकी है और इसीलिए सत्ता की लालच में आपने पाकिस्तान के हिंदुओं को ठेंगा दिखाया और राज्यसभा में स्टैंड बदल दिया। अब जवाब नहीं है आपके पास, अब शांत हो गए आप? देखिए यही दिक्कत है शाजिया इल्मी, शिवसेना ने सोनिया गांधी की बात सुन ली, अपनी विचारधारा को उन्होंने बलि चढ़ा दी राज्यसभा में, अब वो इस विधेयक के विरोध में उतरेंगे, ऐसा शिवसेना के नेता कह रहे हैं शाजिया इल्मी। बिल्कुल, और शिवसेना किस किस चीज के लिए स्टैंड करती थी, क्या उनके सिद्धांत थे, क्या उनके मूल्य थे, क्या उनका फलसफा था, विचारधारा थी, ये तो सबके सामने आ गई है। और जो चीज बच के दिखाई दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सियासी मजबूरी और उनकी सियासी लालच, ये तो जग जाहिर है, इस पे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रही बात सीएबी की, सिटीजन अमेंडमेंट बिल की, तो किसी भी तरह से इसमें धार्मिक भेदभाव नहीं है, बल्कि इसका ऑपोजिट है, इसका विपरीत है। वो क्यों? जहां पे धार्मिक भेदभाव है और जो लोग उसके वजह से परेशान हैं, जहां पे मजहबी प्रोसिक्यूशन है या उत्पीड़न है, जहां पे पीड़ित और उत्पीड़क के बीच में जो रिश्ता है उसको रीडिफाइन करना और उन पीड़ितों को शरण देना, ये तो मानवीय मूलों के पूरी तरह से सम्मत बात है। और बिल का हिस्सा धर्म नहीं है, धर्म के बिना पर उत्पीड़न ही उसका आधार है। तो पूरी तरह से मैं बता दूं, और इससे भारत के मुसलमानों का ना तो कुछ लेना देना है और ना ही किसी तरह से भी वो किसी भी उनके राइट्स अधिकार हुकूक को छूता भी है। शाजिया मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, रेशमा पटेल मुझे समझाइए कि शिवसेना को आपने क्या पट्टी पढ़ा दी
कि जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की वकालत करते थे आज सिर्फ डायलॉग देने पर उतर आए हैं। ऐसा क्या डांट लगा है सोनिया गांधी और शरद पवार की तरफ से कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के साथ साथ पाकिस्तान के हिंदुओं को अब तीन तलाक दे दिया, बताइए। सैदा जी, मैं यहाँ पे आपके हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है उसको बदल के बोलना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की जो बात करते हैं उसके उस शब्दों की और उसकी परिभाषा में ढलना हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ कि अगर वो बिल लाना चाहते हैं तो उससे राष्ट्र हित को क्यों ध्यान में नहीं रखा, उन सबके हित को क्यों ध्यान में नहीं रखा, क्यों उसने मुसलमानों को अलग से तोला गया, क्यों धर्मवाद को उन्होंने जानबूझ के डिवाइड कर दिया, क्यों ऐसा किया, आप मुझे बताइए, ताजमहल में आप मुझे बताइए, क्यों तीन देश को इसमें आपने इस बिल को जोड़ दिया है, तीन देश। मैंने अभी भी बताया रेशमा जी, शाजिया का जवाब, रेशमा शाजिया का जवाब, शाजिया एलवी, शाजिया एलवी का जवाब, शाजिया एलवी, मेरा जवाब, रेशमा 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 एक सेकंड, रेशमा आपने सवाल पूछा, सवाल का जवाब लेते, देखिए मेरी हालत राज्यसभा के सभापति की तरह मत कीजिए, एक एक करके सब बोलेंगे, एक सेकंड रेशमा, सब बोलेंगे, एक सेकंड रेशमा, शाजिया एलमी बीजेपी की बड़ी नेता होने के अलावा शाजिया एलमी एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी है, ठीक है, शाजिया एलमी क्या ये संशोधन बिल सीधा सीधा मुस्लिम विरोधी है या अमित शाह और मोदी की जो गारंटी मिली है आज पार्लियामेंट में उस पर यकीन क्यों नहीं कर रही है एनसीपी, अभी भी मुस्लिमों को क्यों डरा रही है? देखिए, इनका काम ही यही है, इनकी राजनीति इसी डर पर आधारित है, इनकी पूरी की पूरी राजनीति की बुनियाद ही है मुसलमानों को संरक्षण देने की बात करना। हालांकि देश के मुसलमान को किसी भी संरक्षण की जरूरत नहीं है, देश का आईन और संविधान उन्हें पूरी सुरक्षा देता है, और इस कानून का दूर दूर से अगर रेशमा जी ने जरा सा भी पढ़ा होता तो शायद समझ जाती कि ये सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार है, क्योंकि कहीं भी देश के मुसलमानों को जो देश का एक भी अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान, रेशमा रेशमा एक सेकंड, रेशमा एक सेकंड, हम ऑलरेडी इंडियन सिटीजन्स हैं, वो सिटीजन्स जी शाजिया, वो सिटीजन्स जो पार्टीशन के बाद जिनके साथ प्रोसिक्यूशन हुआ जी, शाजिया आप यहाँ पे खुले तौर से कह रही हैं कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते डराया जा रहा है अतीकुर रहमान, आंकड़े दिए हैं, हाँ अतीकुर रहमान मुझे बताइए कि इस बिल से एक भी भारतीय मुसलमान का क्या बिगड़ने वाला है, क्या चेंज होने वाला है, मुझे स्पेसिफिक जवाब दीजिए कि मेरे और आप जैसे भारतीय मुस्लिमों को इस बिल से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्यों झूठ फैलाया जा रहा है, क्यों झूठा प्रचार किया जा रहा है और पाकिस्तान के हाथों का हथियार बन रहे हैं हम? नहीं मैं शहजाद भाई, नहीं पाकिस्तान को तो आप जिक्र ही नहीं करिए, देखिए पाकिस्तान का जिक्र पाकिस्तान लेक्चर दे रहा है, आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। शहजाद भाई आपको अंदाजा नहीं है शायद, मैं भुगत चुका हूं, हम जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक आम मुसलमान जब महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर अपना मामूली डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना चाहता है तो यहाँ के जो कोर्ट के अंदर मामूली वकील होते हैं वो उनको 6 महीने का वक्त देते हैं, ये कहते हैं कि 6 महीने कम से कम लगेंगे क्योंकि आप मुसलमान हैं, और यही चीज जब एक हिंदू जाता है या कोई और धर्म का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने जाता है उसको हार्डली 2 महीने का वक्त लगता है। ये तो मैंने आपको बताया क्या फर्क है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने साचर कमेटी का तो गला घोट दिया के लिए 47 दिन का विंडो है और वो हिंदू मुसलमान सभी के लिए अतीकुर रहमान आप झूठ बोल रहे हैं, माइनॉरिटी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी चीज अतीकुर रहमान शहजाद ने आपसे बिल्कुल सीधा सवाल पूछा था, आपसे बिल्कुल सीधा सवाल पूछा था कि इस देश के माइनॉरिटी को कोई तरीका बिल से क्या खतरा है, आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि खतरा है कि नहीं पूछा, मैंने पता है मैंने सवाल क्यों पूछा, अतीकुर रहमान अगर ये माइनॉरिटीज के लिए इतना बड़ा खतरा था, एक सेकंड अतीकुर रहमान आपकी दिक्कत कांग्रेस की दिक्कत पता है क्या है, ये वही चीज है जो मनमोहन सिंह ने 2003 में मांगी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह माइनॉरिटीज को परेशान करना चाह रहे थे और जो इस बात से खुश होंगे, एक सेकंड मेरे साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पाकिस्तान अल्पसंख्यक समुदाय के, नहीं
एक सेकंड, आपको मैं सुनाना चाहता हूं अतीकुर रहमान, आप जो चीज का विरोध कर रहे हैं उसके समर्थन में जो आवाजें हैं उनको भी सुनना जरूरी है। मेरे साथ है माधव जी ठाकुर और मेरे साथ है दयाराम जी ठाकुर। माधव जी ठाकुर, देश की जनता को बताइए, अतीकुर रहमान को बताइए कि आज जो भारत की संसद में चर्चा हो रही है नागरिकता संशोधन बिल की, इसका समर्थन आप क्यों कर रहे हैं, क्यों आपके मन में खुशी है आप बताइए, और क्या चाहते हैं आप भारत की संसद से बताइए। जी माधव जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे को यहाँ नागरिकता मिले। हम जो पाकिस्तान से आए हैं तो हमारे को बहुत वहां तकलीफ थी। क्या तकलीफ थी? मैं होम्योपैथिक का डॉक्टर था, मैं 18 साल मैंने क्लिनिक चलाई वहाँ, और दूसरा भी मेरा कारोबार था, मेरे पास 20-30 केस कर दिए उन मुसलमानों ने, मेरा सारा धंधा बंद कर दिया और मेरे पीछे लग गए, सारा मेरा कारोबार करके लाखों रुपया मेरे से लूटा उन्होंने, और फिर इसके मेरे जान के पीछे पड़ गए। हम भाग के यहाँ पाकिस्तान छोड़ के हम इंडिया में आए, और जो हमारी बच्चियां वहां रहती है, एक लड़की है हमारी जात अनीता कच्ची है, पहले भी ये मीडिया में चला था, उसमें 14 साल की लड़की को उन्होंने मुसलमान बना दिया, कोर्ट में लेके उनको घर नहीं भेजा, मदरसे में भेज दिया, मदरसे में भेजना भाई 18 साल की होगी फिर हम उनको मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन वो हमारे बच्चों को। जयराम जी, जब आप सुनते हैं कि यहाँ की विपक्षी पार्टियां जिन्होंने 70 सालों तक पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं की, हालांकि वो हमारे ही लोग हैं, जब वो लोग कहते हैं कि ये मुसलमान विरोधी बिल लाया जा रहा है, आपके मन में क्या बात आती है? आपको लगता है कि आपके साथ जो अन्याय हुआ उसको समझ नहीं पा रहे ये विपक्ष के लोग? जी नहीं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से मुसलमान लोग जो है उनको भी इस बिल में शामिल करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में मुसलमान भी सताए जा रहे हैं जिस तरीके से अल्पसंख्यक सताए जा रहे हैं? जी बोलिए ठाकुर। नहीं, अगर मुसलमानों को करना है तो उनके इस्लामी मुल्क उनमें करे ना, ये तो हिंदुओं का, जो हमारा जो हिंदुओं का है देश, हमारे हिंदुओं को करे, वो तो हमारे को, वो खुद बोलते हैं आपका जो मुल्क हिंदुस्तान है हिंदुस्तान में जाओ। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के अतुल सक्सेना सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि आप 2014 से एक आपकी टेप चल रही है कि भारत में मुसलमानों का रहना अब बहुत मुश्किल हो चुका है, ये मैं 2014 से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सब कह रहा हूं। अगर इतना ही खराब है, मोदी राज हिटलर राज बन चुका है, तो आप पाकिस्तान में खुशहाल मुसलमानों को यहां पे बुलाकर क्यों आफत में डालना चाहते हो? उनको तो अच्छे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने दीजिए, सुरक्षित महफूज। आपको तो वैसे ही लग रहा है भारतीय मुसलमानों की यहाँ पे जो है 2014 से हालत खराब है, तो उनको यहाँ पर क्यों दावत देना चाहते हो? उनको अपने मुल्क में रहने दीजिए ना। देखिए, या आप मानते हैं कि पाकिस्तान से बेहतर स्थिति मुसलमानों की इंडिया में, या आप मानते हैं कि बांग्लादेश से बेहतर स्थिति मुसलमानों की भारत में है, और मोदी राज बहुत अच्छा है मुसलमानों के लिए, आपका स्टैंड क्या? शहजाद भाई, मैंने आपकी बात सुन ली और मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ, ये बार बार जो आप कहते हैं कि हमारा टेप चल रहा है 2014 से, देखिए हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म के साथ नहीं है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। और ये देखिए, आप ये जो सीएबी की जो बात कर रहे हैं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल की, आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके नेता, आपने क्योंकि कहा हम धर्म की बात नहीं करते, बात सुनो ना, मैं आप ही को समय दे रहा हूँ, बोलिए, और कोई नहीं बोलेगा, मैं आपको सुरक्षित समय दे रहा हूँ। आपके नेता, हाँ मुझे पता है, मैं एंकर, आपको आपके नेता जावेद खान ने समाजवादी पार्टी की ओर से कहा कि मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का एजेंडा है। अब आप 30 सेकंड लीजिए और मुझे बताइए कि इसमें धर्म कौन घुसेड़ रहा है, कौन नागरिकता में धर्म का कनेक्शन ढूंढ रहा है? जब आप एक बात सुनिए, जब आप सीएजी के अंतर्गत केवल 6 पर्टिकुलर कौम को ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपल होता है, ना कि फॉर द हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनके लिए होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द ऑल। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, ये आप बताइए, नंबर एक। नंबर दो, बार बार आप गारंटी की बात अभी यहाँ शो पे कर रहे थे कि मोदी और शाह ने गारंटी ले ली हिंदू मुसलमानों की। अरे गारंटी तो बहुत चीजों की ली है, उसका क्या हुआ? रोजगार की गारंटी ली थी, क्या हुआ? जीडीपी कहाँ चला गया? किस किस चीज की गारंटी ली थी? आज एक भी गारंटी पूरी हुई? मोदी और शाह के राज में क्या चल रहा है? आपका सवाल बताइए, जवाब लेते हैं। बिल्कुल, दो सवाल है, गारंटी भी दी है पर बहुत सारे वादे भी तोड़े हैं मोदी और अमित शाह ने, और दूसरी बात कि सिर्फ 6 समुदायों को क्यों रखा? यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी हिंदुओं की बात सुनाई पर उनको अभी भी समझ में नहीं आया। शाजी आप जवाब दीजिए।
मैं जवाब देना चाहूंगी उसको, मुझे प्लीज सुन लीजिए एक मिनट के लिए। तो मैं करीब 100वीं बार इस बात को कह रही हूं और इस बात को हर तरह हर जगह कहा जा रहा है, आप भी सुन लीजिए भाई साहब। देखिए, पाकिस्तान है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे या बांग्लादेश को देखेंगे तो वो थियोक्रेटिक नेशंस हैं, वो इस्लामिक नेशन है, वहां पे इस्लामिक स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस या कानून चलता है और इस्लामिक धर्म को यानी कि इस्लाम को बतौर एक धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, स्टेट रिलीजन माना जाता है। इसके तहत जो बाकी नागरिक है, जो वहां की माइनॉरिटीज हैं, वहां के अल्पसंख्यक हैं, उस धर्म के बिना पर वो शिकार हो रहे हैं रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के, यानी कि धार्मिक श्रीलंका क्या होगा शाहजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इसका पूरा प्रमाण है, उसका प्रमाण है, पाकिस्तान की कॉपी करना चाहिए, म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ हमारा पार्टनरशिप नहीं हुआ भाई साहब, करना चाहती है म्यांमार में, और मुझे एक चीज और समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ठीक है, मुझे एक एक करके हम लोग यहां पे माइनॉरिटीज को नहीं बनाना चाहती है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहां तो माइनॉरिटीज की संख्या बड़ी है, यहाँ तो माइनॉरिटीज की संख्या बड़ी है, क्या बात कर रहे हैं आप? आप रिपोर्ट रहमान कैसे आप किस तरह से बोलते हैं टीवी पर, सुबह शाम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, क्या क्या जहर उगलते हैं आप? आप सुनिए जयराम जी को किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, कैसे ये जयराम जी को पाकिस्तान में किया गया, क्या मुसलमान करके अतीकुर रहमान अतीकुर रहमान एक सेकंड एक करके देखिए मेरी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे आए हैं वो अतीकुर बेकाबा उनके साथ में, इससे कोई फायदा नहीं है। अतीकुर रहमान आप इसलिए चीख रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ कहने को नहीं है, अगर कुछ कहने को होता नहीं, चीखने की किसी को जरूरत नहीं है, मैं सबको इक्वल मौका देने वाला हूँ, अतीकुर रहमान आपको मैंने पाकिस्तानी जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान से उनकी बातें सुनाई, उनका टेस्टिमोनियल सुनाया, वो खड़े हैं और यहाँ पर बात अपनी रख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तो आपका इतना दिल दुख रहा था, इन लोगों के लिए आपका दिल क्यों नहीं दुख रहा? इनकी क्या गलती है कि ये हिंदू है? इनकी क्या गलती है कि भारत का जो संधि है इंटरनेशनली कि हम ऐसे लोगों को शरण देंगे, हम उसको ना माने क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है? अतीकुर रहमान जवाब दीजिए। जयराम जी आपका जो गम है दुख है उसमें हिंदुस्तान के मुसलमान बराबर के शरीक हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान को इसी वजह से हम नकार चुके हैं और हम आपको आश्वासन देते हैं कि जो कोई आपकी तरह उस मुल्क के अंदर परेशान किया जा रहा है हम उनको पूरी तरह से यहाँ पर शरण देने के लिए तैयार हैं। हमारी शिकायत भारत सरकार से सिर्फ ये है, वो ही शिकायत जो पाकिस्तान में मुसलमान शिया को होती है या मुसलमान अहमदिया को या बलूच को होती है, उस मुसलमान को आप शरण देना क्यों नहीं चाहते हैं? तो मुसलमान और जो अहमदिया है पूरी तरीके से बताना नहीं चाह रही है, आपको समझाना जरूरी है। आज हम कोई माइनॉरिटी बनाने को तैयार नहीं है फिर से आपको पढ़ना जरूरी है भाई साहब, आप सच में जानते हैं कहानी बताई जा रही है, आप बरगलाए हुए हैं और आप बरगला रहे हैं, आप बरगलाए हुए हैं और आप बरगला रहे हैं, एक एक करके देखिए किसी की बात समझ में नहीं आएगी, क्यों दुखी कर रहे हैं आपको अभी, आपको झूठी कहानी क्यों बता रहे हैं? अतीकुर रहमान आपकी बात आ गई, अब एक सेकंड, शिवम त्यागी, 2014 के बाद से जो संशोधन किया गया है सिटीजन अमेंडमेंट बिल में, उसमें साफ साफ कहा गया है अगर यहाँ पे ऑलरेडी अहमदिया थे जो 2014 से है और वो क्लेम कर रहे हैं तो वो अगर एक भी अहमदिया जैसे जयराम जी अभी मौजूद है अगर इसमें अहमदिया शामिल है तो उनको जगह मिलनी चाहिए और पॉलिटिकल असाइलम के तौर पर जो असाइलम के रूल्स हैं ठीक है, दान सामी जैसे लोगों को मिल चुके हैं। बिल्कुल शाजिया, सवाल पर क्या है? सवाल देखिए, सबको पता है कि किसी पे पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ किसी के लिए एलिजिबिलिटी बनाई गई है, पर शिवम त्यागी मेरा बड़ा सवाल ये है कि संजय राउत और शिवसेना, सदन बदल गया तो स्टैंड बदल गया, मतलब क्यों सत्ता की लालच में महागाड़ी ने प्रेशर डाला, इसलिए इसलिए बदल गया क्योंकि लोकसभा में अगर आपने देखा होगा बीजेपी बिल के पक्ष में पड़े 311 और विपक्ष में पड़े 80 वोट, अगर ये थोड़े से भी संजीदा होते तो कम से कम शिवसेना को लगाकर 163 वोट पड़ने चाहिए थे जो कि नहीं पड़े,
नहीं पढ़ने की वजह से क्या हुआ कि सोनिया श्री जी ने जैसा आप कहते हैं टाइट किया डाटा और कल की सामना है, कल के सामने हेडलाइंस है और इनको एक तरह से अगर मैं थोड़ी सी रूढ़ भाषा में कहूं तो एक तरह से पिटाई की गई और कहा गया कि अगर आप अपनी स्टेट की सरकार चलाना चाहते हैं तो आप धमकी के साथ रहना पड़ेगा। मतलब संतोष दुबे शिवसेना का शेर भीगी बिल्ली बन गया, सोनिया गांधी के सामने शेर बिल्ली बन गया। कहीं नहीं, शेर कहीं भी भीगी बल्ली नहीं है, शेर है और शेर ने अपनी बात शेर है, शेर है, शेर दहाड़ता है, शेर है तो शेर दहाड़ता है, शेर मियाऊ नहीं करता, आप मियाऊ कर रहे हैं। घरेलू बिल्ली बन गए आप, बिल्कुल सर आप घरेलू बिल्ली बन गए, आप सड़क की बिल्ली भी नहीं हो, आप घरेलू बिल्ली हो। मियाऊ सोनिया गांधी बोलती है मियाऊ तो मियाऊ, कि हमको किसी के हिंदुत्व की जरूरत नहीं है, किसी के सोनिया गांधी के हिंदुत्व की जरूरत है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी आप पर थोप नहीं रहा है, लेकिन आप ही अपने आप बदल रहे हैं। अब हिंदुत्व आइडियोलॉजी नहीं रही है और ये आपने देखा बारंबार, आप किस इतनी जल्दी, तो मुझे लगता है हमसे पहले केजरीवाल से कहा जाता था ये तमगा अब शिवसेना की तरफ जाने वाला है, क्योंकि आप जिस तरह से अपने स्टैंड और स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं ये देश देख रहा है आपको। आप बार बार ये इंफ्लाइज करने की जरूरत नहीं है कि हिंदुत्व से आपका नाता है, हिंदुत्व से आपका कोई नाता नहीं है, आप ये समझ लीजिए। और राज्यसभा में बजट बदलने का एकमात्र कारण आपका यही है क्योंकि आपको ऊपर से प्रेशर पड़ा है, डांट पड़ी है और इसी वजह से आज आप ये दोबारा से निकल कर आए हैं और बिल का सपोर्ट नहीं कर रहे। खैर, इस देश का हिंदू और जो दुनिया में हिंदू है वो देख रहे हैं बारह साहब की पार्टी ऐसी भी हो सकती है। संतोष दुबे पता है क्या हुआ, संतोष दुबे एनसीपी, संतोष दुबे और एनसीपी, एक सेकंड संतोष दुबे, संतोष दुबे एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूँ शिवंत, मैं आपको बता दूं क्या हुआ। एनसीपी रेशमा पटेल शिवसेना जिस स्कूल की हेडमास्टर होने का दावा करती है उस स्कूल की वो हेडमास्टर थी जब तक हेडमास्टर थे बाल ठाकरे साहब, पर अब उनके हेडमास्टर चेंज हो चुके हैं, हेडमास्टर है सोनिया गांधी और हेडमास्टर है शरद पवार, और शरद पवार और सोनिया गांधी ने कहा कि ये हिंदुत्व छोड़ दो, सरकार चलानी है तो हमारी स्टैंड पे आ जाओ। रेशमा पटेल ने धमकी दी ना आपने, और धमकी दी ना आपने, रेशमा पटेल खड़े होकर बोलते हैं कि पाकिस्तान मुसलमान राष्ट्र है, लेकिन हमारा तो सर्वधर्म संभाव वाला राष्ट्र है ना, हम सब धर्म का सम्मान करते, तो हमारे संसद में ऐसे बिल क्यों पारित होते हैं जहाँ पे धर्म का भेदभाव खुलेआम दिखाया जा रहा है। कि उसका सवाल बीजेपी को पहले आप पूछिए, हम तो एक ही बात में मानते हैं, हम जिस विकास की परिभाषा और जिस सर्वधर्म सबके विकास की बात करके चल रहे हैं, हम किसी धर्मवाद के बेस पे नहीं चले, वो भारतीय जनता पार्टी। आपने बिल बिल्कुल भी सही से नहीं पढ़ा है, अगर आपने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल दोनों में से कोई भी एक चीज पढ़ी है तो आप इस बात को नहीं कहती, समझिए। हमारे देश का संविधान कहता है कि इस देश में माइनॉरिटीज को विशेषाधिकार होने चाहिए, दुनिया में जो माइनॉरिटीज है, जो माइनॉरिटी एक एक करके जिम्मेदारी कौन लेगा। आर्टिकल 14 कहता है कि इस देश में कास्ट, क्रीड, कॉम्बिनेशन, कलर, उनको छोड़कर सबको एक समान अधिकार है, यही आर्टिकल 14 और इसका वायलेशन नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है। 1956 में मैं थोड़ा सा और आपको बता, एक एक करके देखिए, मैं नहीं चाहता कि सर आपकी बातें ड्राउन नहीं होनी चाहिए, सबकी बातें सुनाई देनी चाहिए। रेशमा पटेल आपने सवाल पूछा, मैं जवाब पटेल सवाल पूछा, रेशमा आपका सवाल आ गया, रेशमा जी प्लीज अंडरस्टैंड, अभी आपका सवाल का जवाब 10 सेकंड। 1956 में पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक मुल्क स्थापित कर लिया था, उसके बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहां पर माइनॉरिटीज कौन है, यही कास्ट जिनकी आने की बात कर रही है। जब उन माइनॉरिटीज की जिम्मेदारी 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट में 1950 मार्च में खुद नेहरू जी ने कहा था कि अगर माइनॉरिटीज पर हमला होगा पाकिस्तान में तो हम उनको शरण देंगे, और अगर हिंदुस्तान में मुस्लिमों पर हमला होगा तो पाकिस्तान उनको शरण देगा, मेरा सवाल आप उसी को भूल बैठे। मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से यह है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप बार बार वही आर्गुमेंट कर रहे हैं, आर्टिकल 14 समानता का वायलेशन हो गया, उल्लंघन हो गया, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो गया, आर्टिकल इसका, और मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर आर्टिकल 14 में समानता की बात की जा रही है और अगर पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नहीं दिया जा सकता, भेदभाव किया जा रहा है, तो मैं कहता हूं कि जो माइनॉरिटी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 के तहत दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में,
भारत के संविधान में, क्या उसको भी हटा देना चाहिए? समाजवादी पार्टी, सीधा जवाब दीजिए मुझे इसका, अतीकुर रहमान और समाजवादी पार्टी दोनों मुझे इसका जवाब। मैं शहजाद जी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी शिवम जी ने कहा कि जिनका उत्पीड़न हुआ उनके आने की बात चल रही है, ठीक है, जो छह लोग हैं, हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है, एक मिनट लेट मी कंप्लीट सर, मैं आपकी बात मान लिया, बोल रहे कंप्लीट मतलब हमारे आपकी बात मान लिया शिवम, 20 सेकंड बोलेंगे, तो कह दिया जो आप कह रहे हैं, बोलिए यदि हम आपकी बात मान भी लें, आपकी बात मान भी लें कि जो माइनोरिटीज है जिनका उत्पीड़न वहां हुआ, मान भी लें मतलब क्या, मान भी लें मतलब दो लोग झूठ बोल रहे हैं क्या, ये दो लोग यहाँ दो की बात नहीं हो, दो लोग झूठे हैं, मास की बात करते हैं, उनका उत्पीड़न हमारा, उनको इंसल्ट मत कीजिए, उनका उत्पीड़न हमारा उत्पीड़न है, आप जाके पार्लियामेंट में करिए, यहाँ पे नहीं होगा, ये उनका उत्पीड़न हमारा उत्पीड़न है, हम उनके साथ हैं, हम ये मना नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं यदि इससे बेनिफिटेड, जैसे आप ही कह रहे हैं इससे बेनिफिटेड जो माइनोरिटीज में लोग हैं उनका होना है, तो इसमें मुस्लिम को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे, इसलिए नहीं इन्वॉल्व होते, क्योंकि आपको रोहिंग्या की स्थिति ही नहीं पता, म्यांमार में रोहिंग्या पॉलिटिकल विक्टिम है, वो अपनी सरकार से नाराज है और बांग्लादेश के थ्रू मुझे मेरे साथ आप लोगों की चर्चा नहीं है, ये आप लोगों की चर्चा नहीं है, एक सेकंड नहीं, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मेरे साथ अतुल सक्सेना पीड़ा हुआ है, मैंने आपकी बात सुनी, हमारे देखिए भारत में अतुल सक्सेना एफआई का मंच नहीं है, शिवम अभी मेरे साथ बार बार आप मेरे साथ कॉपरेट चैनल चलाते हैं और पता नहीं आपकी बात का चैनल चलाते हैं क्या, बीजेपी का चैनल चलाते हैं, ऐसा होता है क्या यार, एक सेकंड ऐसा होता है कि मैंने आपको सबसे ज्यादा ठाकरे को, अरे उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, आप पढ़ती आप देखिए आपकी प्रॉब्लम आप मेरी बात सुनेंगे, आप बीजेपी का चैनल कह रहे हैं, आप बड़े अफसोस की बात है कि जो हिंदू की बात करता है वो बीजेपी का टैग लग जाता है उस पर, अपने हिंदू को पार्सल कर दे, मुझे बताइए आपने सर प्लीज मुझे बार बार टोके मत, पिछले आधे घंटे में आपने कितनी बार ये कहा है कि सोनिया ने डांट लगा दी, उधम ने ऐसा कर दिया, म्याऊं कर दिया, मजाक हो रहा था इसके साथ ये, अच्छा और आप भारत की बात कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है क्या, मतलब मैं अभी मुद्दे की बात करिए, चलिए मुद्दे की आप मुझे समझा जल्दी है, यदि इतनी जल्दी है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट राज्यपाल सक्सेना, मुझे पता है कि आप पाकिस्तानी हिंदुओं की आपको चिंता नहीं, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, सक्सेना स्टूडियो के बाहर चल रहा हूँ, स्टूडियो के बाहर चल रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी, मैं सवाल पूछ सकता हूँ, यहाँ के लोग आप सवाल उसकी जिम्मेदारी पूछने देंगे, नहीं आप बोलिए, ठीक है आप मॉनिटर है मेरे, बात मॉनिटर की नहीं, आप मुझे नहीं तो अंडरस्टैंड, नहीं तो लोग सवाल पूछेंगे ना, अब मेरी सोच है, मुझे मेरी सोच रखने का पूरा अधिकार है, अतुल सक्सेना आप शांत रहेंगे, अतुल सक्सेना दिक्कत ये है, देखिए दिक्कत ये है, दिक्कत ये है अतुल सक्सेना की, दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं, समाजवादियों की दिक्कत क्या है, समाजवादियों की दिक्कत ये है, 2014 से आपको देख रही है, आपने कुछ नहीं करा, 2019 में 303 सीट, मैं किसी और की बात नहीं चाहता, शिवम त्यागी आप चुप रहेंगे, अतुल सक्सेना आप चुप रहेंगे, मैं यहाँ पे पाकिस्तान से जो आए बधाए गए सताए गए दो मेहमान हैं, मैं उनका वर्जन भी लाना चाहता हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को इनमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इनमें इंटरेस्ट है, अब आप बीच में बोल रहे हैं, आप मुझे प्लीज माधव जी मुझे आप बताएंगे, माधव जी आप मुझे बताइए कि 70 साल में आपको ऐसा लगा कि किसी भी पार्टी ने आपकी चिंता की, और आप आज जो आपको सताया गया है क्या इसी तरीके से मुसलमानों को पाकिस्तान में सताया गया, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ माधव जी, नहीं मुसलमानों के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो खास के लिए जो हिंदू को है, हिंदू को परेशानी है, जो हिंदुओं के लिए हर चीज में वो कोई चीज में मानते भी नहीं है, हर चीज में आप हिंदू हो और आप हिंदुस्तान में जाओ, आप भारत में जाओ, आप इधर क्यों रह रहे हो, ठीक है शाजी अलमी, मेरा आपसे एक सवाल है, और ये सवाल सुन के शायद समाजवादी पार्टी को लगेगा कि मैं आप बीजेपी का नहीं समाजवादी का प्रवक्ता बन चुका हूं, पर शाजी इसका सीधा जवाब दीजिए, चलिए मैं समझ गया 6 कम्युनिटीज को आप रख रही हैं, वो उत्पीड़न होती है उनके साथ, मुझे एक बात बताइए कि नास्तिक मतलब एथियस्ट जो होते हैं, एथियस्ट की क्या गलती है, अगर कोई पाकिस्तान में एथियस्ट है बांग्लादेश में और उनके साथ भी उत्पीड़न हुआ है, और मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, पाकिस्तान में जो एथियस्ट है जो कोई भी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं उनका क्या,
मेरे मुल्क में उनके लिए दरवाजे क्यों नहीं खुले होने चाहिए? तो देखिए, आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा और उसी तरह से ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अहमदियाज और इसमें शियाज और अहमदियाज और कादियानीज क्यों नहीं शामिल है। अब मैं बताऊं, ये जो बिल है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है, जो संशोधन की बात की जा रही है, वो उन लोगों के लिए रियायत की जा रही है जो रिलीजियस पर्सिक्यूशन के बेसिस पर नागरिकता मान रहे हैं, और उनके लिए जो नंबर ऑफ इयर्स हैं वो कम किए गए हैं, यानी कि 2014 से जो लोग रह रहे हैं। और आप उसमें से बताइए, उसमें से कितने अहमदियाज हैं, कितने शिया हैं? क्यों ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, ये जो है 2014 के बाद से इसमें संशोधन की बात सुनिए। और अगर इसको लेकर भी नास्तिक लोग हैं, क्योंकि सेक्युलरिज्म, और हमें इस बात का मुझे बहुत फक्र है कि हमारा संविधान नास्तिक और आस्तिक दोनों में अंतर नहीं करता, दोनों में बराबरी का उसको अधिकार है, लेकिन यही सारे अधिकार पाकिस्तान में नास्तिकों को नहीं दिए गए हैं। और अगर इस बिना पर वो असाइलम लेना चाहे तो जो जनरल असाइलम के रूल्स हैं उसके तहत ले सकते हैं। ठीक है साजिया, कई लोगों ने लिया। ठीक है साजिया, आपकी बात आ गई, पर अतुल सक्सेना से मैं कहना चाहता हूँ, एक सेकंड, अतीकुर रहमान इल्मी की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है बताइए? चलिए बताइए कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, उसके बाद मैं अतुल सक्सेना से सवाल लूंगा। बताइए कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? उन्होंने कहा मुझे भारत में रहना है। जी मुझे ठीक है, अतीकुर रहमान को बोलने दीजिए, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है बताने दीजिए, मुझे देखने दीजिए क्या कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं सुनिए शाजिया, जल्दी, रिलीजियस पर्सिक्यूशन का क्लॉज निकाला गया है शहजाद, रिलीजियस पर्सिक्यूशन का क्लॉज एक तरफ आप निकालते हो, और यहाँ शाजिया यहाँ पर आपको बता रही है कि नहीं, अगर वो एथिस्ट है तो ये उनका उनका पर्सनल मामला हो गया, वो रिलीजियस पर्सिक्यूशन में नहीं आएगा। ये अतीकुर रहमान मुझे एक ब्रेक लेना है। देखिए एक सेकंड, मुझे एक ब्रेक लेना है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही शाजिया, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें जो बोली जा रही है ना कि बीजेपी की लाइन है, बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह ने इसी बात की वकालत की थी, इन्हीं छह समुदायों के लिए वकालत की थी, तो क्या मनमोहन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे? आपको मौका इसलिए दिया जा रहा है इस शो पर कि आप आपके बात रखे तर्क के साथ, तर्क ना हो तो लेबल लगाते हैं लोग। हम एक छोटा सा देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका स्वागत है, और आप देख सकते हैं कि 87% लोग ये मानते हैं कि नागरिकता बिल ये संसद के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा मानवता और मानव अधिकारों को लेकर। और मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज कुछ ही देर में संसद के पास एक मानव अधिकार के लिए बड़ा कदम उठाने का मौका है, दयाराम जी और माधव जी जैसे लोगों के लिए जो सताए गए हैं, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। मौका कांग्रेस पार्टी के पास भी है, जो याकूब मेमन के मानव अधिकारों की बात करती है, वो आज मनमोहन सिंह के बताए हुए रास्ते पर चल के इन लोगों के मानव अधिकार की बात करे। ये सोच मेरी थी, कल भी मैं अपनी सोच लेकर आऊंगा 3:55 पर। आप जरूर देखिएगा और तय कीजिएगा कि मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं।